हेलो गाइस, होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। ये मेरा पहला यूट्यूब का वीडियो है और इसमें मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वो मॉड के बारे में जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ और जिसके लिए मैंने एक रुपए भी नहीं खर्चे। ये टोटली फ्री है और ये काफ़ी अच्छा मॉड मेनू है। एक साल से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं आज तक बैन नहीं हुआ, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप भी इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बैन होने की दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। हर मॉड मेनू में थोड़ा बैन का चांसेस होता है, तो वैसे इसमें भी है, बट ये डिटेक्टेबल नहीं है और अभी तक रॉकस्टार वालों ने इसे डिटेक्ट किया नहीं है। तो मैं आपको इस मॉड को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में आज थोड़ा हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। अगर आप सबको अच्छा लगे तो इसके ऊपर मैं एक पार्ट टू भी बनाऊँगा। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ इस मॉड मेनू को डाउनलोड कैसे करना है। आपको सबसे पहले गूगल में जाना है, फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वाला जो लिंक है उस पर क्लिक कर दीजिए या तो फिर उसे वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। जब आप वो कर देंगे तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ डाउनलोड में क्लिक करना है और आपका मॉड मेनू यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एंटीवायरस इसे वायरस की तरह डिटेक्ट करता है तो आप अपने एंटीवायरस को बंद कर दीजिएगा, सिर्फ इसलिए ताकि ये इंस्टॉल हो सके। ये कोई वायरस नहीं है और आपको इसका चिंता करने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है। वंस आपका फाइल डाउनलोड हो जाए, फिर आपको सीधा वो जिप फाइल को खोलना है और उसके अंदर आपको इस तरह की फ़ाइल नज़र आएगी। इसमें आपके ऐसे 3-4 अलग फाइल्स हैं और मैं अब आपको बता देता हूँ कि इस मॉड को कैसे स्टार्ट करना है, मगर उससे पहले आपको GTA 5 को खोल के एक सेटिंग स्टार्ट करना होगा, तब जाके ये मॉड चलेगी। तो चलिए हम GTA 5 पे डायरेक्ट स्किप करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस मॉड को कैसे यूज़ करते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं GTA 5 पे आ चुका हूँ और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपको क्या सेटिंग करना होगा जिससे आप उस मॉड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ESC दबा के सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद आप फिर ग्राफिक्स में जाइए। ग्राफिक्स में जाने के बाद आप स्क्रीन टाइप खोलिए और स्क्रीन टाइप में आप विंडोज बॉर्डरलेस की जो फीचर है इसे सिलेक्ट कर लीजिए। जब आपने ये कर लिया होगा तब आप आराम से अपने मॉड को खोल सकते हैं और आप इस वाले मॉड में क्या क्या फीचर्स है क्या क्या नहीं है मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो एक बार आपने इस मॉड को खोल लिया, चलिए हम बाहर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम बाहर आ चुके हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मॉड मेनू में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली ऑप्शन है गेम। गेम के अंदर आपको ये 4 ऑप्शन देखने मिल जाता है, लीव ऑनलाइन, गो टू क्रिएटर, चूज कैरेक्टर, ऑनलाइन सेशन। ऑनलाइन सेशन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या ज्वाइन पब्लिक सेशन जाना चाहते हैं, स्टार्ट न्यू पब्लिक करना चाहते हैं, क्लोज क्रू जाना चाहते हैं कि क्रू सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास है प्लेयर्स, व्हीकल्स, वेपन्स, वर्ल्ड, टेलीपोर्ट, ट्यूनेबल्स, अनब्लॉक और कई सारे अलग अलग फीचर। अगर आपको कहीं भी टेलीपोर्ट करना है तो आप सीधा टेलीपोर्ट के ऑप्शन में जाइए। यहाँ आपको तरह तरह के तमाम अलग अलग लोकेशंस जो कि GTA 5 में हैं आप सब जगह जा सकते हैं। और अगर आपको कोई कस्टम वे पॉइंट में जाना है, जैसे कि अगर आपको मैप में कहीं मार्क करना है, सपोज़ कीजिए अगर मैं यहाँ मार्क करता हूँ इस क्लोथिंग शॉप के सामने, तो आप सीधा वहाँ मार्क करने के बाद आप सीधा वे पॉइंट में जाके वे पॉइंट सिलेक्ट कर दीजिएगा और आप डायरेक्ट इधर आ जाइएगा अपने कस्टम लोकेशन पे। आप अपने मिशन वाले ऑब्जेक्टिव पे भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने आप को गन दे सकते हैं, आप सारे वेपन को मैक्स कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव एमो से क्या होगा, जब आप इसे सिलेक्ट करिएगा तो आप कोई भी गन अगर लेते हैं तो उसके गोली से इस तरह के बम निकलेंगे। ये एक अच्छा फ़ायदा है अगर आपको अपने अपोनेंट को मारना है, फायर एमो से जहाँ भी आप मारेंगे वहाँ पे आग लग जाएगा। और वैसे ही अलग अलग तरह के इसमें फ़ायदे हैं। अब मैं एक ही वीडियो में तो आपको ये सारे फ़ायदे नहीं बता सकता हूँ, मगर अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करके अपने आप को हर सेकेंड 5 मिलियन रुपये दे सकते हैं GTA ऑनलाइन में
जिससे आप आराम से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, और ये काफ़ी सेफ़ है। इसका बैन होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसे कम से कम पिछले 5-6 महीने से इस्तेमाल किया है और आज तक मैं बैन नहीं हुआ हूँ। ये मेरा एपिक का GTA अकाउंट है। होप है कि आप सब ने भी एपिक से GTA अकाउंट लिया होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन का दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बता सकूँ कि कैसे आप अपने आप को हर सेकंड 5 मिलियन दे सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।